हेलो एवरीवन, हमारा कला एवं संस्कृति का चैप्टर चल रहा है। हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, 61 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा शास्त्रीय संगीत अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो यह है कथक। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़कर कथक नृत्य ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया। क्वेश्चन 62, ये मिलान करना है। IAS 2002 का क्वेश्चन है, ये अभी रिलेवेंट नहीं है ये, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हीरेन भट्टाचार्य किससे जुड़े हैं? कठपुतली कला से। मालिनी राजुरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम कला से। वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से। 63, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत से है? पूर्व भारत से, ठीक है, तो यह है मणिपुरी, और शेष का जो है वो यहाँ से दक्षिण भारत से है। क्वेश्चन नंबर 64, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो ये इनका टाइमिंग देख लीजिए, 1930 और 1999, ठीक है, और ये 2007 में पूछा गया है। तो इनका ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। 65, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी, तो यूपी के लिए स्पेशल हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बनारस घराने से हैं, ठीक है। क्वेश्चन 66, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ये सारंगी नहीं है। वैसे इसका मध्य प्रदेश यानी MPPCS ने इसका आंसर डी माना है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी, ये दो चीज़, जैसे कई और वाद्य यंत्र और नई संगीत पद्धतियाँ और नियम लाए भी लेके आए थे, ठीक है। वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो खां ने किया था। सितार का किसका जो अभी में हमें दिखता है वो किसने किया था? खुसरो खां ने किया था। और तबला लाने का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो, खुसरो खां और अमीर खां, अमीर खुसरो अलग अलग हैं, ठीक है। आगे चल जाइए। 67, गंगूबाई हंसल, ठीक है, तो ये उनकी मृत्यु जब यानी कि इस टाइमिंग पे जब हुई होगी, ठीक है, 2008-10 के बीच में इस टाइमिंग पे या इससे पहले हुई होगी, ये इनके 2009 में हुई थी, ठीक, 2009 में हुई थी और ये पूछा गया है उनसे सवाल, तो ये उस टाइम रिलेवेंट रहा होगा। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, खास करके फीमेल, और उनका कला एवं संस्कृति से है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, पूछा है 13 ताली नृत्य लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। देखिए 13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य, 13 ताली या 13 ताली, ठीक है, लोक नृत्य राजस्थान का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामर लोग रात भर उनका यशोगान करते हैं। क्वेश्चन 69, मिलान करना है, तो हमें जो आता है पहले हम वो देख ले, असम बिहू, ठीक है, और घूमर राजस्थान, ठीक, घूमर राजस्थान, क्या बी का पहला है? बी का पहला दो जगह है, डी का तीसरा है, डी का तीसरा है, ये आंसर आ गया, ठीक है। बाकी दो देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में नटी होता है और आंध्र प्रदेश में क्या होता है? बुर्रा। क्वेश्चन 70, फिर से मिलान करना है, तो असम, एक तो हमें पश्चिम बंगाल का पता है जात्रा, ठीक है, और इसके अलावा बिहार का, अच्छा सी का दूसरा देख लेते हैं किसमें है, सी का दूसरा दो जगह पे है, तो यानी डी का तो पहला होगा ही होगा, यानी बिहार का जाट जाटनी कर लेते हैं। और लुड्डी, लुड्डी कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ओजपली ये कहाँ होगा? असम में हो जाएगा, ठीक, यहाँ देख लीजिए, असम, ओजपली और हिमाचल प्रदेश लुड्डी, पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार में जाट जाटनी। बिहार का थोड़ा सा जाट जाटनी, ये ऐसा लग रहा है कि बिहार ना होके हरियाणा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, खैर जो है सो है। क्वेश्चन 71, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य, आ जाइए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PCS का भी है और वैसे भी अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हैं। तो
हमें जो पता है, ठीक है, रविशंकर सितार, उनकी बेटी भी आज भी सितार बजाती हैं और फॉरेन में उनके ज़्यादातर शोज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा तबला, अबला, ये अल्लाह रखा खां, ठीक है। चित्रकार ये हो गया मकबूल हुसैन, सरोद अमजद अली खान, ठीक है, और बिस्मिल्ला खां ये हो गया शहनाई। मेरे ख्याल से रॉक स्टार मूवी में एक जगह बिस्मिल्ला खां जी का शहनाई को लेके कुछ था, तो वो शायद वही थे, ठीक है। एक जगह जहाँ पे हीरो जो है उसके उनके पहली मुलाकात होती है वो पहचान नहीं पाता, शायद कुछ ऐसा ही था। आ जाइए 73 मूवी में, सॉरी 73 क्वेश्चन पे। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो अमजद अली खान सम्मिलित, मतलब सुमेलित नहीं है, अमजद अली खान हमने अभी देखा, ये सरोद से रिलेटेड है, ठीक है। तो विलायत खान सितार हो गया, अल्लाह रखा तबला हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। एक एक रट लीजिए या एक या दो रट लीजिए, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन फंसने लगेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, देखिए जो उस्ताद अमजद अली खान थे वो सरोद वादक थे और वे ग्वालियर के सेनिया बंकश घराने से संबंधित थे। इस घराने के संगीतकारों ने सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद जो रबाब था को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया बताइए, अभी देखा बांसुरी, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। बिरजू महाराज जी जो थे वो कथक, ठीक है, ये कथक यूपी वाला है। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ठीक है, हो गया, सब हो गया। अली अकबर देख लीजिए, सरोद, ये रेलेवेंट नहीं है इस टाइम क्वेश्चन 75, ठीक है। वीजी जोग किस वाद्य यंत्र से विख्यात हैं, तो ये हो गया वायलिन के लिए। अच्छा पंडित रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन तबला, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, अभी हमने देखा संतूर बांसुरी, असद अली खां, रुद्रवीड़ा है क्या 76, असद अली खां रुद्रवीड़ा, ठीक है, शिव संतूर हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, असद अली खां रुद्रवीड़ा प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। आ जाइए नेक्स्ट 77 पे, मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, मतलब अभी के लिए नहीं है, वैसे देख लेते हैं। तो सूरज है, ठीक है, वो हमेशा अपने ख्यालों में ही खोया रहता है, तो सूरज खां ख्याल, अयोध्या प्रसाद पखावज वादन, सादिक अली खां वीड़ा वादन, और ठीक है हमें थोड़ा सा, मैं इसको धार्मिक रंग देना चाहूँगी, ठीक है, बुरा मत माने, ठीक है, बस याद करने के लिए बता रही हूँ कि सादिक अली खान मुस्लिम है और क्या बजा रहे हैं, वीड़ा बजा रहे हैं, ठीक है। वीड़ा हिंदुओं में देवी सरस्वती के हाथों में रहती है, बस इसे कनेक्ट करने के लिए, आंसर याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। वीरू मिश्रा तबला वादन, क्वेश्चन 78, ओके ये वाला देख लेते हैं, अभी हमने देखा था वीजी जोग, ठीक है, वायलिन से रिलेट कर देते हैं। सी का दूसरा है यहाँ पे, सी का दूसरा डी आंसर आ गया, ठीक। बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या है, तो अली अकबर खां सरोद, जीवी जोग वायलिन, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, और शिव कुमार शर्मा संतूर। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। रविशंकर का सब जानते हैं, रविशंकर क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, रविशंकर सितार, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्ला खां शहनाई, ठीक है, और ओमकार ठाकुर एक बज गया तो हो जाएंगे वायलिन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 80 पे। तो गोपाल जी मिश्र सारंगी से जुड़े हैं, किशन महाराज तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, कुंदन सिंह पखावज वादक। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का नाम कई जगह आ रहा है, ठीक है, तो एक एक तो इनका याद हो जाए तो आराम हो जाएगा थोड़ा।
नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से के उत्कृष्ट नृतक हैं? तो ये बिरजू महाराज हैं, ठीक है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं हैं। तो ये ध्रुव तारा जोशी नहीं है, बाकी बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये तीनों लोग कथक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 83, कलाकार नहीं है, कथक कलाकार नहीं है। तो हमने देखा कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज तो हैं ही, ठीक है, ये दोनों लोग का तो पता ही है, और सितारा देवी भी संबंधित हैं, लेकिन किशन महाराज इससे संबंधित नहीं है। किशन महाराज किससे हैं? तबला से हैं। 84, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिहार से संबंधित है, पेंटिंग है वहाँ की, लोक कला है। क्वेश्चन 85, भारत की सांस्कृतिक एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू का क्या है, मतलब वो क्या है कलारीपयट्टू? तो एक्चुअली ये मार्शल आर्ट है, ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है ये। ओके 86 आ जाइए, सॉरी, कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो ये सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ठीक है, यही तो है लोक संस्कृति। 87 पे आ जाइए, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, क्या निर्दिष्ट करती है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्र। ओके ये हो गया 87 क्वेश्चन, आगे चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इसका क्या है, कलमकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कलम से बनाए गए चित्र या चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों के पर हाथ से अथवा ब्लॉकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वनस्पतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। इनकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में होती है। श्रीकलाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में क्या होता है, ये ठप्पों का चलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, तो देखिए रुक्मणी देवी जो हैं ये किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। बिरजू महाराज सबको पता है, अच्छा वैसे राकेश शर्मा का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें राकेश शर्मा का दिया है, 1990, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये बिरजू महाराज कथक हो गया, सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व कहाँ होता है? तो परंपराओं के संरक्षण में होता है, ऑप्शन सी 89 का। 90 हो गया, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो गरबा नहीं है, ठीक है, और कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी है, तो खैर बहुत पुराना क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता होगा, पुराने लोगों को पता होगा मोस्टली। और 91 क्वेश्चन पूछा है, सही क्या है? तो पहला सही है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ठीक, और बिस्मिल्ला खां ये शहनाई से रिलेटेड हैं, और जाकिर हुसैन तबला है, और अल्लाह रखा भी तबला है। 92 क्या पूछा है, गलत कौन सा है? तो डी वाला गलत है, भीमसेन जोशी जो हैं वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, गायन संगीत से, अल्लाह रखा तबला, और देबू चौधरी सितार, ठीक है। और जो सुब्बू लक्ष्मी जी थी, MS सुब्बू लक्ष्मी, वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, ठीक है, और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये नाम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, मिलान करना है। ओके ये बिल्कुल नए नाम है सारे मेरे हिसाब से तो हैं, और ये 2000 का क्वेश्चन है IAS का, तो ये उस समय का रिलेवेंट रहा होगा, ठीक है, अभी देख लेते हैं। फिर भी ए का पांचवा है, तो बार मुरली कृष्ण, ठीक है, ये किससे जुड़े हैं? कर्नाटक के कर्नाटक गायन से जुड़े हैं। मीता पंडित जो हैं ये हिंदुस्तानी गायन से जुड़ी हैं, और कन्याकुमारी सी का चौथा वायलिन, और निखिल बनर्जी किससे जुड़े हैं? ये हैं सितार से। देख लीजिए एक बार फिर से, बाल मुरली कर्नाटक, मीता पंडित हिंदुस्तानी, कन्याकुमारी वायलिन, और निखिल बनर्जी सितार। 94 ये उत्तरांचल PCS का है, ठीक है, 2005 का क्वेश्चन है। अच्छा ये एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन है उस टाइम पे जो जिससे जुड़े होंगे, ठीक है, कुछ ज़रूर या तो किसी प्रकार का पुरस्कार वगैरह कुछ मिला होगा तभी होगा। शर्मिला टैगोर जो हैं सभी जानते हैं, वो सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, शर्मिला टैगोर इतिहासकार नहीं सिनेमा, सॉरी, ये हो गया, ठीक, सिनेमा। बी का पांचवा दो जगह है, ठीक है, और इसके अलावा सी का दूसरा,
बाद मुरली कृष्ण, अभी हमने देखा कर्नाटक संगीत, ठीक है। तो सी का दूसरा ये हो गया हमारा सही आंसर, और ए का क्या हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा कवलम नारायण पन्नीकर रंगमंच, और बाकी नृत्य सोनल मानसिंह नृत्य। 2011 पीसीएस का क्वेश्चन है प्री का, ठीक है। मतलब हमें ये समझना है कि इस टाइप के मिलान वाले क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। अगर इस साल जो भी वो क्या कहते हैं पद्मश्री पुरस्कार या ऐसा कुछ है तो उसमें ज़रूर ये देख लें कि नृत्य और कला वगैरह से कौन से संबंधित हैं। तो पंडित दुर्गालाल ये संबंधित है नृत्य से, लालगुड़ी जयरामन, ठीक है, वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण ये है कंठ संगीत, अमृता शेरगिल चित्रकला। इन्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल उस टाइम के ही क्वेश्चन हैं, ये वैसे ही फ्रेम हुए हैं उसी साल या उसके आसपास के किसी मंथ में, बस हमें आज के संदर्भ में देखना है। तो ये देख लीजिए, ये प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, रोमिला थापर का नाम सुना होगा, बहुत फेमस राइटर हैं ये, हिस्ट्री राइटर, और मंदाकिनी आमटे जो थी ये समाज सेवा से जुड़े हैं, और नीलम मान सिंह चौधरी नाट्य निर्देशन, वंशी राव नृत्य 97, ठीक है। और इसमें पूछा है कलाकार के रूप में कौन विख्यात हैं, तो ये सभी चारों लोग थे, ठीक। ये विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं लोग तीनों, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन एस बेंद्रे और सुबोध गुप्ता। 97 हो गया। 98 देख लीजिए कौन किससे जुड़ा है, तो रुक्मणी देवी अरुणदेल को नाम सुना होगा आपने, ये नर्तकी से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबने इनकी कविताएं पढ़ी हैं, ठीक है। भीमसेन जोशी गायक हैं और अमृता शेरगिल चित्रकार। 99 कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, तो संगीत अकादमी जो है वो है, और इसका उद्घाटन जो किया था जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था, ठीक है, 1953 में। कई बार डायरेक्टली टाइम दे के पूछ लेता है, मतलब सन दे के पूछ लेता है 1953, और कई बार ऐसा होता है कि एक सीरीज़ में लगाना होता है, तो पता होना चाहिए कि संगीत अकादमी का कब रखा गया था, उद्घाटन कब हुआ था, 1953 में, ठीक है। 100 क्वेश्चन, बांसुरी वादक कौन है, तो ये है रोनू मजुमदार। देखिए रोनू मजुमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजुमदार रोनू मजुमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देवू चौधरी सितार वादक, मधुप मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और शफत अहमद खां तबला वादक रहे हैं। अब ये देख लीजिए, तो खैर 90 बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, सभी जानते हैं कि सलमान रुश्दी कौन है। ये क्या लिखा, लज्जा नृत्य चित्रकार, सैटेनिक वर्सेस, अच्छा ये बुक्स का नाम है, ओके सॉरी, मतलब मिक्स करके दिया है कि किसी ने कोई बुक लिखी है। देखिए जैसे लज्जा उपन्यास है, ठीक है, लेकिन ये अरुणदेल जो हैं वो नृत्य से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा मिक्स करके दिया हुआ है, वो नृत्यांगना है, नृत्य से जुड़ी हैं, ठीक है। और सैटेनिक वर्सेस तो ये तो पता ही है कि सलमान रुश्दी का है, मुझे लगा सलमान रुश्दी का इतिहासकार या कुछ ऐसा लिख के देना चाहिए था, तो उन्होंने उनकी बुक का नाम दिया है। और तस्लीमा नसरीन जो है वो लज्जा से जुड़ी हैं, उनका उपन्यास है, बहुत फेमस राइटर है। और एम एफ हुसैन चित्रकार हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 102, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो सरोद के हैं। क्वेश्चन 103, पूछा है सही नहीं है, तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला से जुड़े हुए हैं। तो बिरजू महाराज कथक हो गया, बिल्कुल सही, बिस्मिल्ला खां शहनाई हो गया, अमजद अली खां सरोद हो गया। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है।
ठीक है, जो वैदिक साहित्य था उसमें वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है, और सरस्वती जी का वाद्य यंत्र है ये। 105 संगीत सॉरी संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका किसका है, वीणा और तंबूरा का, वीणा और तंबूरा का। इसके आविष्कार अमीर खुसरो। 106 लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये सी सुमेलित नहीं है। ये देख लेते हैं क्या है, आइए इसका क्वेश्चन है। ठीक है, कोरकू महाराष्ट्र ठीक है, झूमर हरियाणा ठीक है, थाली हिमाचल प्रदेश से नहीं है, और मुकना मणिपुर, मुकना मणिपुर। तो देखिए कोरकू लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, एवं झूमर जो है वो हरियाणा का है, और मुकना मणिपुर से मल जो प्रचलित एक मल्ल युद्ध है, जो लाई हराओबा त्यौहार के अंतिम दिन आयोजित होता है, थाली जो है वो उत्तराखंड से है, थाली उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है। भरत मुनि ने के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्गम धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार है, और इसमें जो प्रमुख हैं उनका नाम अभी भी हो सकता है यस वगैरह में, तो मेनली पूछ लिया जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये हो गया 109वां क्वेश्चन, देख लीजिए। तो कुचिपुड़ी हमने देखा आंध्र प्रदेश है, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, और कथक उत्तर प्रदेश है, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, 2002 यूपी लोअर में पूछा गया है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है, तो लोहो है। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, नाटी नाटी हिमाचल प्रदेश से है, और बम्बू एवं खांटुम मिजोरम से है, बम्बू और खांटुम मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा, कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, कुषाणों में क्या मिलता है, सुर्खी। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व के से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का काल चौथी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है। ठीक है, तो ये राजनीति है। ठीक, सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। ऑकबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से जो हमें दिखाई देता है, अर्थात पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि, जबकि अभौतिक संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है ये, जैसे कि कला, धर्म। ठीक है, ये हो गई। और ऑकबर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पृथक पिछड़ जाती है, तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यानी कि किताबें, घर, मोबाइल ये सब दिखने लगें और धर्म, कला, दर्शन ये सब ना दिखे, तो इसका मतलब हुआ कि ये सांस्कृतिक विलंबन हो रहा है। क्वेश्चन है 113, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये होता है कथकली। कथकली जब आखिरी में कली लगा हो तो केरल से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है, केरल कला मंडलम के संस्थापक ये बल्लथोस नारायण मेनन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाट्य होता है। कुट्टन, अब इसमें नाम देख लीजिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है, कृष्ण कृष्णन कुट्टी, माधवन एवं आनंद, शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल, शांता राव। ठीक है, ये नर्तक हैं प्रसिद्ध। क्वेश्चन 114, मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है, तो कथकली से है, कली यानी केरल। क्वेश्चन 115,
मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। देखिए जो पंडित विष्णु दिगंबर, एक सेकेंड, विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं, उन वो भारतीय संगीत के राग वर्णीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। और वेंकटामही ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया था। जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, उसको उसके संगीत को लिपिबद्ध किसने किया, वेंकटामही ने। और जो श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे, जो श्याम शास्त्री थे वो कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे। अमीर खुसरो किससे संबंधित हैं, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक माने जाते हैं। 116 देख लीजिए, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है, तो रास नृत्य है गुजरात से। गुजरात में इस समय क्या चल रहा है, इस समय गरबा चल रहा है, ठीक है, रास चल रहा है, गरबा चल रहा है। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है, यद्यपि दोनों ही प्रकार पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं। 117 क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये चौथा सुमेलित नहीं है। तो भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन थी, झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन थी, माई डियर कुट्टी चातन। और जो सी ऑप्शन है, भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो देखिए मीना कुमारी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं थी, किंतु इन्होंने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया गया था, मतलब इन्हें नहीं दिया गया था। जबकि गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 118, बैंडिट क्वीन, ठीक है, मुख्य भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। अभी उस टाइम मूवी आई होगी तो होगी कोई, ठीक है। फूलन देवी के जीवन पर सभी जानते हैं, फूलन देवी के जीवन पर बनी हुई है, शेखर कपूर ने इसका निर्देशन किया था, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। सीमा विश्वास उस समय बहुत फेमस रही होगी, ठीक है, बैंडिट की मतलब फूलन देवी के जीवन पर बनी मूवी। क्वेश्चन नंबर 119, जो अब एक्चुअली हेलो सॉरी वो एक्चुअली यहाँ पे बगल में नहीं, थोड़ा दूरी पे एक्चुअली ये गर ये क्या बोलते हैं इसको, नवरात्र का फंक्शन हो रहा है तो वो इतना डिस्टर्बिंग है, इस वजह से इधर उधर हो रहा है, ठीक है, इसे यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, ठीक है, आगे नेक्स्ट में वीडियो में कर लेंगे, थैंक यू।